नमस्कार, आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। राजधानी में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय सेना का एक जवान गुहार लगाता हुआ नजर आया। अलाइव 24 से बातचीत के दौरान फौजी ने बताया कि वो मूल रूप से कानपुर देहात का रहने वाला है और उसका नाम आसाराम है। बातचीत में उसने अपनी समस्या पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वो अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहा है, उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। पूरा मामला है जमीन को लेकर के जो कानपुर देहात में है, उसके बारे में बताया। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा सर, और बोला कि इस जमीन को छोड़ दिया जाए तो मैं सारे मुकदमे वापस ले लूंगा। अच्छा, 5 मुकदमे अवैध तरीके से लगा रखे जी। विपक्षीगढ़ का क्या नाम है? कौन विपक्षीगढ़ का नाम है? सोबरन सिंह सनौत निर्भर और विश्राम जी सनौत निर्भर जी। कौन सी तहसील लगती, थाना कौन सा है? तहसील सिकंदरा लगती, थाना मंगलपुर। अच्छा अच्छा, ये मामला कितने दिन से चल रहा है? मामला चल रहा सर वो 3 साल हो गए। 3 साल से हो गए हैं। मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती है, जितनी छुट्टी मिलती सारे मुकदमेबाजी में लगा रहता हूँ जी। तो अभी तक आप किन किन अधिकारियों के पास अपनी बात को रखा है? अभी मैं सीएम ऑफिस में 3 बार आ चुका हूँ, ना तो मिलने दिया ना उनसे आवेदन दिया। आवेदन 3 बार दे चुका, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, बाद में मैं सीएम साहब के भी पास किया, बोला कि इस मामले में मैं नहीं जानता हूँ, आप जिला जज से मिले जाते। अच्छा, जिला जज से आप मिले? हाँ, जिला जज के पास एक बार गया था, लेकिन उन्होंने फिर बोला कि अभी जज साहब है नहीं, बाद में मिलना। अच्छा अच्छा, एसडीएम से इस मामले में आप मिले? कोई बात है, मामले पूरी जानकारी है जी। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने क्या, जो प्रशासन अगली कार्रवाई होगी वही मैं करूँगा। अच्छा अच्छा, तो आप शासन प्रशासन और योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं तो यही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।